नमस्कार, मैं हूं मुकेश शाही। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। आइए हम नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। मुंबई के घाटकोपर के अमृत नगर इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी उभर कर सामने आई है। जी हां, मनसे कार्यकर्ताओं ने एक उत्तर भारतीय फल विक्रेता को बुरी तरह से पीटा तथा गाली गलौज की। हम आपको यह भी बता दें कि मनसे कार्यकर्ता का यह कहना है कि उत्तर भारतीयों को यहाँ धंधा लगाने का अधिकार नहीं है, केवल मराठी शेतकरी ही यहां धंधा लगा सकते हैं। महाराष्ट्र लॉ निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, फल विक्रेता को जमकर पीटा। आगामी बीएमसी चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र लॉ निर्माण सेना के एक बार फिर मराठी मानुष का हितैषी बनने के नाम पर एक उत्तर भारतीय फल विक्रेता को जमकर पीटा। मनसे के कार्यकर्ताओं ने मराठी शेतकरी के अधिकार के नाम पर एक फल वाले को जमकर पीटा और गाली गलौज की, जिसके बाद उस फल वाले की ठेले को भी फेंक दिया गया। मनसे कार्यकर्ताओं का कहना है, पहले हमारे मराठी शेतकरी को धंधा लगाने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। मनसे कार्यकर्ताओं ने सभी उत्तर भारतीयों को धंधा न लगाने की चेतावनी भी दी है। आइए दिखाते हैं मनसे की गुंडागर्दी। जरा देखिए कैसे उग्र होकर फल विक्रेता की पिटाई कर रहे हैं मनसे कार्यकर्ता। एक नहीं, दर्जनों की संख्या में मनसे कार्यकर्ता एक शख्स को खुलेआम पीट रहे हैं। इन्हें किसी का डर नहीं, न ही कानून। यह घटना है मुंबई के घाटकोपर इलाके के अमृत नगर की, जहां मनसे कार्यकर्ता की गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। मुंबई से विनय दुबे की रिपोर्ट। देश भर के साथ साथ महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पत्नी के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की तथा इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना कर लोगों को गणपति उत्सव की शुभकामनाएं दी। मुंबई में गणपति उत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान मंडलों के साथ मुंबई करों के घरों में भी गणपति बप्पा का आगमन हुआ। इस उत्सव के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना की और पूजा और आरती की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सभी को गणपति उत्सव की बधाई दी और इको फ्रेंडली गणपति के जरिए उत्सव मनाने की अपील की। मुंबई से विनय दुबे की रिपोर्ट। यूं तो मुंबई में कई छोटे बड़े गणपति देखने को मिलता है, लेकिन लाल बाग के राजा का स्थान एक अतुलनीय है। हम आपको बता दें कि दूर इलाकों से लोग लाल बाग के राजा के दर्शन के आते हैं और काफी मशक्कत के बाद उन्हें लाल बाग के राजा का दर्शन मिलता है। लगभग 83 साल पूरा हो चुका है लाल बाग के राजा का। हम आपको बता दें कि लाल बाग के राजा को कोलियों का गणपति माना जाता है, इसलिए इसे लाल बाग का राजा कहा जाता है। हर वर्ष लाल बाग के राजा आभूषणों से सजे रहते हैं। इस वर्ष भी मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। लगभग 300 वॉलंटियर की तैनाती की गई है। हम खड़े हैं मुंबई के लालबाग के राजा के यहाँ पर, जो लाखों भाविक बापा के दर्शन लेने के लिए गांव-गांव से, हर जगह जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं मेरी भाई और कि किस तरीके से लोग बापा के दर्शन लेने के लिए काफ़ी कतार में खड़े रहकर दर्शन, थोड़ा सा दर्शन पाने के लिए, और जो उनकी श्रद्धाएँ होती है, जो उनकी मनोकामनाएँ होती है, लालबाग के राजा पूरी करते हैं करके उनका कहना है। और ऐसे में कोली लोगों ने माना हुआ गणपति है जो नवस का गणपति कहलाया जाता है, और ऐसे में लालबाग के राजा काफ़ी प्रसिद्ध है और 43वां साल है लालबाग के राजा का। और सुरक्षा के बारे में अगर देखा जाए तो सुरक्षा के बारे में मुंबई पुलिस पूरी तरह से तैयार है और जिस तरीके से सुरक्षा यहाँ पर होना चाहिए उस तरीके से सुरक्षा के लिए पूरी तैनाती की गई है मुंबई पुलिस की ओर से। और लालबाग के राजा के जो यहाँ के अध्यक्ष है उनका यह कहना है कि उनके जितने भी वॉलंटियर्स है यहाँ पर पूरी तरह से खड़े हैं और सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं जिससे ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी वारदात ना हो। कैमरामैन विजय के साथ मैं स्टीवन जॉन, इंडिया लाइव, मुंबई। ये लालबाग के ही नहीं, ये पूरी दुनिया के राजा हैं और हम हर साल आके इनके दर्शन करते हैं,
हम बहुत सी चीज़ें इनसे मांगते हैं, इनके आने का इंतज़ार रहता है और वो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें यहाँ आकर उनके दर्शन होते हैं। और मैं बहुत सी मन्नतें लेकर आया हूँ, आज उनके दरबार में मैं वो मन्नतें मांगूंगा और मुझे उम्मीद ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है कि बापा मेरी सारी मन्नतों को पूरा करेंगे। मैं ये कहूँगा कि आने वाला वर्ष आपके लिए हर्ष और उल्लास लाए, आप हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे देश में शांति रहे, भाईचारा बना रहे। लाल बाग के दर्शन के लिए महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि अनेक राज्यों से लोग आते हैं। लगभग घंटों लंबी कतार लगाने के बाद इनका दर्शन पाते हैं। लाल बाग से स्टीवनसन की रिपोर्ट। इंडिया लाइव न्यूज में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। यस, वी ट्रेन हार्ड एंड वी वर्क हार्ड, बट हु रियली वर्क्स हार्ड विद अस? यू। यस, विद द हेल्प ऑफ योर टैक्सेस वी गेट द अपॉर्चुनिटीज and win medals for the nation. Please pay your taxes on time and let's create more world champion. एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बल्दीराय क्षेत्र के सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्र के सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि को बुके व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन स्कूल के प्रबंधक शिवम श्रीवास्तव और हीना अफरोज ने किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की लोगों ने सराहना की। मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गिरीश नारायण सिंह ने सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित करते हुए उनसे निरंतर रचनात्मक कार्यों को करते रहने का आह्वान करते हुए उनके दीर्घजीवी होने की कामना की और कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है। सुल्तानपुर से तुफेल इदरीसी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के 11 एथलेटिक्स ने उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में भाग लेकर जिले का मान बढ़ाया। 11 खिलाड़ियों ने जिले का बढ़ाया मान। लखनऊ एक्सपोर्ट कॉलेज में आयोजित 50वीं उत्तर प्रदेश जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में सुल्तानपुर जिले के 11 एथलीटों ने भाग लेकर जिले की मान बढ़ाया है। प्रतिभाग करने वाले एथलीटों में मोहम्मद रुस्तम, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद मुजलिम, पंकज पाल, ब्रजेश यादव, वंदना यादव, निधि विश्वकर्मा एवं हसन निजामी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टीम के मैनेजर एवं कोच संदीप तिवारी एवं सैयद आले मुस्तफ़ा ने बताया कि यदि इन बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाए तो ये भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ साथ सम्मिलित होकर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए खिलाड़ियों को हर संभव सहायता दिलाने में हर संभव प्रयास करेंगे। इस टीम में मुस्तकीम इंटर कॉलेज ज्ञानीपुर के 30 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। सुल्तानपुर से तुफेल इदरीसी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के इमरान कुरैशी ने व्हील चेयर पर अनेक स्टैंड कर लोगों को हैरान कर दिया। सुल्तानपुर के इमरान कुरैशी ने जालंधर में व्हील चेयर पर किए नए करतब। ज्ञानीपुर निवासी इमरान कुरैशी ने जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एसोसिएशन के तत्वाधान में दिव्यांगों को एकत्रित करके उनके कर्तव्यों को देखा। वहीं इमरान कुरैशी ने व्हील चेयर पर डांस के साथ साथ अनेक स्टैंड किए जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। इमरान कुरैशी के कमर के नीचे का भाग पूर्ण रूपेण काम नहीं करता। ये बीमारी उनको 2008 में हुई थी।
इमरान अपनी दूसरी जिंदगी व्हीलचेयर पर बिता रहे हैं। सुल्तानपुर से तुफैल इदरीसी की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज। फिलहाल समाचारों में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।